दो बैटरी का ये एग्जाम्पल है, 6 वोल्ट की दो बैटरीज हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, तो किसी एक बैटरी से हम स्टार्ट कर देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज फ्लो कराना। मैंने कहा ये 6 वोल्ट की बैटरी क्यू नॉट सप्लाई कर रही है, तो इस रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ेगा जिसके एक एंड पे प्लस क्यू नॉट, दूसरे एंड पे माइनस क्यू नॉट मिलेगा, क्यू नॉट रिपल कर दिया जाएगा। फिर आगे जंक्शन पे दो रास्ते हैं, एक में क्यू बन जाएगा तो दूसरे में क्यू नॉट माइनस क्यू बन जाएगा। इस 4 माइक्रो फैराड पे क्यू नॉट माइनस क्यू बन का पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी बचा हुआ क्यू नॉट माइनस क्यू बन रिपल कर दिया जाएगा। एक बैटरी क्यू नॉट माइनस क्यू बन एब्जॉर्ब करेगी, दूसरे एंड से उतना चार्ज निकलेगा। यहाँ से क्यू बन आ रहा है प्लस क्यू बन माइनस क्यू बन, तो यहाँ से क्यू बन रिपल किया जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट माइनस क्यू बन, यहाँ से क्यू बन आ रहा है, मिलके कितना क्यू नॉट हो गया। एक बैटरी ने क्यू नॉट दिया था, क्यू नॉट वापस आ गया, तो इस बैटरी की इम्बेलेंसिंग नहीं हुई और इस बैटरी ने जितना निगेटिव एंड पे एब्जॉर्ब किया था उतना रिलीज किया है। हर बैटरी बैलेंस्ड है, हर जंक्शन पे हमने चार्ज आने वाला और जाने वाला दिखा दिया है इक्वल, और अब हमें दो लूप इक्वेशन लगाना चाहिए, एक लूप वन के लिए और एक लूप टू के लिए। कुछ लोग एक आउटर लूप की इक्वेशन लाते हैं, तो वो आउटर लूप की तीसरी नई इक्वेशन नहीं है, वो बेसिकली लूप वन और लूप टू से आई हुई इक्वेशन की एक सॉल्व इक्वेशन है। यानी इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके कोई नई इक्वेशन लाई जाए, ऐसी वो इक्वेशन है। ऐसी 3 इक्वेशन बना लेने से हम 3 अननोन नहीं ला सकते। अगर 2 इक्वेशन से बनी हुई तीसरी इक्वेशन होती है तो अननोन 2 ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये 2 लूप ले लेते हैं। किसी ए पॉइंट से शुरू करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी वी ए प्लस 6 इंक्रीमेंट माइनस क्यू नॉट बाई सी 2 माइक्रोफेरेड माइनस क्यू वन बाई 5 माइक्रोफेरेड। सारे अननोन हमने माइक्रो कूलाम में लिए हैं, तो वो माइक्रोफेरेड और माइक्रो कूलाम माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्विंग आसान हो जाएगी। तो हमारी एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह से हम लोग केवीएल इन लूप टू लगाते हैं। किसी सी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वी सी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू वन बाई 4। एक बैटरी में यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट 6 वोल्ट का होगा, वो कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट कर रहा है, उससे उसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कैपेसिटर नहीं है। यहाँ आ गए, यहाँ से फिर इंक्रीमेंट होना है, तो प्लस क्यू वन बाई 5 इक्वल टू वी सी। तो ये हमारा दूसरी इक्वेशन आ गई। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये 2 इक्वेशन आई हैं, सॉल्व करेंगे तो क्यू वन और क्यू नॉट का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2 माइक्रोफेरेड पे इतना, 4 माइक्रोफेरेड पे इतना एंड 5 माइक्रोफेरेड पे इतना चार्ज आने वाला है, सॉल्व कर सकते हैं।